लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल के प्रति आज यहाँ उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ और ये श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं देवेंद्र जी को एक बात का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जब माननीय देवेंद्र जी का फोन आया तो उन्होंने कहा मेरे को कि आपको आने के बाद एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन होंगे कि जिन्होंने जमीन से जुड़कर असंगठित श्रमिक के लिए कितना बड़ा काम किया है, आज मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इस संगठन को चलते हुए आज 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, अन्ना साहब को भी 1982 में, आज 40 साल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 50 साल पहले भी जो उन्होंने असंगठित क्षेत्र का जो संगठन खड़ा किया उसको खड़ा करते समय कितनी कंस्ट्रक्टिव और सृजनात्मक भावना उनकी होगी कि केवल यूनियन यूनियन के लिए नहीं चलाई, यूनियन में कॉपरेटिव कैसे चले उसकी चिंता करी, यूनियन में क्रीड़ा खेलकूद का भाव हो उसके संगठन की चिंता करी, यूनियन के अंदर ग्रामीण विकास कैसे हो उसकी चिंता करी, यूनियन में सामाजिक रूप से लोग इकट्ठे हो तो सामाजिक संगठन बनाने का काम किया और अपने आप में कितना ज्यादा हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं उसके लिए नागरिक बैंक पथमेड़ी की स्थापना भी करी। ये बहुत बड़ा विजनरी व्यक्ति ही खड़ा कर सकता है और अन्ना साहिब को जो इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे लगता है कि यूनियन की परिकल्पना और यूनियन को चलाने की भावना, इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। बहुत सारे विषय यहां पर रखे गए, अन्ना साहब इस आंदोलन को चलाते हुए महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य भी बने और विधान परिषद सदस्य बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद सदस्य तो बहुत बने होंगे लेकिन ऐसा विधान परिषद सदस्य बनना जिन्होंने लेजिस्लेशन के निर्माण में भूमिका करी और लेजिस्लेशन में भूमिका करके महाराष्ट्र मथाड़ी हम्माल और अदर मैनुअल वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1969 अधिनियम भी हुआ उनके प्रयास। हम सबसे पहले अगर उनको अपनी आज नमन करते तो हम इस बात के लिए नमन करते हैं कि एक मूवमेंट को खड़ा करना और मूवमेंट को सामाजिक न्याय के लिए आगे लेकर के जाना ये बहुत बड़ा काम कि अपने जीवन में किया। मेरे को लगता है कि उनका ये सम्मान केवल महाराष्ट्र में नहीं देश भर में भी होना चाहिए और निश्चित रूप से आगे जाना। मैं कुछ विषय हमारी सरकार के भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हमने माननीय देवेंद्र जी ने अपने विषय में भी बताया कि विभिन्न श्रमिक कानूनों को 4 कोड में परिवर्तित किया। लंबे समय से देश में कानून चलता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बनाया। कम से कम कामगार का डिस्प्यूट की बजाय रिलेशन बनना चाहिए और हमने 3 एक्ट को इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर को, ट्रेड यूनियन को और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को मर्ज करके नया इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बनाया। जितने हमारे सोशल सिक्योरिटी के कानून थे उनको हमने मर्ज करके सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया। कामगार जहाँ पे काम करने जाता है, चाहे डॉकयार्ड में काम करता है, बीड़ी जगह पे काम करता है, भट्टे में काम करता है, उन सब के लिए जितने भी उनके जीवन को हैजर्ड जो प्रदूषण और बाकी सब उनके माहौल के लिए हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड लेकर के आए और फिर कामगार को जो उसका वेतन मिलना चाहिए उसके लिए हम वेजेस एक्ट को लेकर के आए। और मेरा ये मानना है कि जितने ज्यादा कानूनों का मकड़जाल रहता था उसमें लेबर सबसे ज्यादा परेशान रहता था क्योंकि कहां जाए, कौन किस कानून में जाए, उसमें सरलता लाने के लिए, उसमें सामंजस्य लाने के लिए हमने काम किया। और असंगठित क्षेत्र में कोविड के समय में जो लोग
छोटे छोटे कामगार जो थे, विशेष रूप से रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उनके लिए पूरे देश भर में हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू किया। और उससे बड़ी बात जो है, हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत देश में गरीबों के लिए कार्ड की बात को लेकर के आए। लेकिन हमें लगता है कि देश का जो असंगठित क्षेत्र है, वो असंगठित क्षेत्र में लगभग हमने ऐसा अंदाजा लगाया कि देश में 400 से ज्यादा छोटे छोटे काम करने वाले लोग, ड्राइवर हो सकते हैं, हमारे हमाल हो सकते हैं, हमारे ईंट भट्टा पे काम करने वाले हो सकते हैं, दर्जी हो सकते हैं, नाई हो सकते हैं, बॉम्बे में इंडिया गेट के ऊपर मुरमुरे बेचने वाला हो सकता है, फ्रेंकी बेचने वाला हो सकता है। और जब हम सोशल सिक्योरिटी कोड लेकर के आए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो दो बातें बहुत बड़ी लेकर के आए। सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 111 से लेकर 114 तक हमने कहा कि देश के काम करने वाले सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का एक डाटा बेस बनना चाहिए, और आज हमने उसको शुरू किया है। और ई श्रम पोर्टल पर आज की तारीख तक 1,60,00,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके। जो छोटा आदमी जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पाता था, उसकी पहचान नहीं होती थी, उसको पहचान देने के लिए हमने कार्ड देने का काम किया है। और देश में हम सभी असंगठित क्षेत्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। बल्कि मुझे तो, मैं माननीय देवेंद्र जी को बता रहा था कि मुझे फोन आया कि जी आपने 400 ट्रेड लिख दिए, इसमें बैंडबाजी वाले तो आए ही नहीं है। तो मैंने कहा उनका भी लिखा जाए, वो भी एक समाज भी है, उनका भी सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। और अब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो भी कामगार होगा उसको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, ये कानून हमारी सरकार ने। और इसलिए चारों लेबर कोड में जो सबसे पहले हमने रूल बना करके लागू किया, वो सेक्शन 142 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। हम जानते हैं कि काम करने वाले देश के गरीब कामगार का सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसलिए मैं आज आपसे, नरेंद्र पाटिल जी से भी आग्रह करूंगा कि आपकी यूनियन भी अपने ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए। क्योंकि हमने नारा दिया कि जिनकी मेहनत देश का आधार, अब सपना हुआ उनका साकार, छूटेगा नहीं कोई कामकार, और योजनाएं पहुंचेगी सबके पास। और ये तभी पहुंच सकती है जब हम इनका रजिस्ट्रेशन कराए, ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करें। दूसरा विषय जो अभी नरेंद्र पाटिल जी ने भी अपने भाषण में कहा, बाद में उसके कुछ विषयों को हमारे शशिकांत शिंदे जी ने भी रखा, मैं सबसे पहले तो ये आपको कहना चाहूं कि आपकी मथाड़ी कामगार यूनियन मुझसे समय तय करके दिल्ली आए, और हम विस्तार के साथ आपके सारे विषयों पर खुले मन से चर्चा करेंगे और उसका समाधान करने का पूरा विषय करेंगे। माननीय देवेंद्र जी ने जिन विषयों को हमारे सामने, छोटी जो इरेगुलरिटी के विषय है उनको रखा है, इनकम टैक्स के, उसको भी हम पूरा करेंगे। और जब आप आएंगे तो आपको न जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रेल विभाग के भी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर वहीं श्रम मंत्रालय में समस्या का समाधान करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ई श्रम पोर्टल के साथ हम दो बड़े विषयों पे काम कर रहे हैं। दो बड़े विषयों पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में अभी तक जो हमारे प्रवासी मजदूर रहते थे, उनकी कार्य स्थिति का, वो कहां से आते हैं। और प्रवासी मजदूर केवल अंतरराज्य नहीं आते, कभी अन्ना साहब भी सतारा से आए होंगे, एक किसान परिवार में जन्म लेकर के आए होंगे, लेकिन सब तो अन्ना साहब की तरह संघर्षशील और विजनरी नहीं हो सकते, और बाद में अपने क्षेत्र में, अपने गांव में वापस भी जाते हैं। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा उसका सर्वेक्षण करा के नीति बनाने को तय किया है, और यह सर्वेक्षण प्रारंभ हो चुका है। दूसरा,
हमारे यहाँ जो घरेलू कामगार, उनकी भी स्थिति, उनकी भी सामाजिक सुरक्षा, उनके भी विषयों को लेकर ये लेबर ब्यूरो के द्वारा एक सर्वे को भारत सरकार ने हमें मान्यता प्रदान करी और उसको भी हम प्रारंभ करने वाले। पर तीसरा जो एक बड़ा विषय अब हमारे देश के अंतर्गत है, जैसे हमारे कभी नवी मुंबई में एक बार पहले मंदाताई मिला था तो बता रहे थे कि आज के 40-50 साल पहले तो ऐसा था नहीं, लोग नमक का काम करते थे, बाद में शहर बना तो रोजगार बदल गए, नए नए से क्षेत्र आ गए। तो हमारे देश में जो सर्वे अभी तक होता था वो सर्वे हमारे यहाँ ऐसा हम लोग लेबर का करते थे कि ये कार्यबल है और इनको रोजगार चाहिए, जो हम हर तिमाही करते हैं। पहली बार हमने ऐसा सर्वे किया जो इंस्टीट्यूशन बेस किया कि अब देश में अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो यहां पर कितने कामगारों के काम की आवश्यकता, अगर हॉस्पिटलिटी क्षेत्र बढ़ रहा है तो वहां पर कितने कामगारों की आवश्यकता, अगर एजुकेशन सेक्टर बढ़ रहा है तो वहां पर कितने कामगारों की आवश्यकता, कुशल और अकुशल दोनों। और इसमें हमने इसको कहा है एक्वीज, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, AQEES, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो अब देश की सरकार ये बताने में समर्थ रहेगी कि इस इंस्टीट्यूशन में इतने लोगों की आवश्यकता। जैसे हम सोचेंगे ड्राइवर तो हमें लगेगा कि ड्राइवर केवल ट्रांसपोर्ट में चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलेंगे वहां भी ड्राइवर होंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे वहां एम्बुलेंस के ड्राइवर होंगे, सर्विस सेक्टर बीपीओ खोलेंगे तो वहां लाने ले जाने वाले ड्राइवर होंगे। ऐसे जो रोजगार का इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे का जो विषय है, और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि भारत सरकार इस महीने के अंत में पहला एक्वी सर्वे को लोगों के सामने भी देने जा रही है। ये मोदी जी की परिकल्पना देश के रोजगार को लेकर, और हम इसके माध्यम से देश के रोजगार क्षेत्र को बढ़ाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और दूसरा विषय मेरा मानना है, हमने बहुत ज्यादा सफलता पाई है बाल श्रम को रोकने, और बाल श्रम के विषय में हम उसको व्यापक तरीके से रोकने में सफल हुए हैं, और हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय के द्वारा अभियान चलाकर बाल श्रम को रोकने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और इसलिए मैं तो अभी विभिन्न राज्यों की सरकारों को भी आभार व्यक्त करता हूं कि लगभग हमारी 60-70% सरकारों ने इस पर रूल्स बनाए हैं, और विशेष रूप से जो हमारे मथाड़ी कामगार हैं, क्योंकि मुझे बता रहे थे कि रिटायरमेंट की तो उम्र होती नहीं है, जब तक शरीर चलता है काम करते हैं, लेकिन शरीर भी एक समय तक साथ है, उसके बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा होना, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा होना, और शरीर अच्छा चले इसके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के स्टैंडर्ड उनके लिए लागू होना। तो ये सारे विषय, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करे, रेलवे स्टेशन पे काम करे, फैक्ट्री में काम करे, सबसे ज्यादा मुझे जहाँ होती है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा रहता हूँ, माइंस के क्षेत्र में जो काम करते हैं वो तो बहुत नीचे तक जाते हैं, कोयले वगैरह की माइंस में मैं जब मजदूरों से मिलता हूँ देखता हूँ, तो उनके सुरक्षित कार्यस्थल बने। तो निश्चित रूप से आप आएंगे तो इन विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और वैसे भी मैंने जिस दिन लेबर मिनिस्टर बना उस दिन मैंने देश की सारी मजदूर यूनियनों को एक बात कही है, हर शुक्रवार को बिना अपॉइंटमेंट के देश की कोई भी यूनियन आती है हम उसको मिलते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मोदी जी का सबसे पहला लक्ष्य है देश के गरीब आदमी का कल्याण करना। हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को मजबूती के साथ करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से हम अपने प्रयासों के द्वारा आने वाले समय में देश के सभी कामगारों के लिए सुरक्षित और सम्मानित जीवन की व्यवस्था करेंगे। आज मैं वापिस से एक बार हृदय से स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल जी के प्रयासों को,
सादर नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके बीच में जो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए मुझे शायद सही शब्द होगा मी तुमचा आभारी आहे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।